अतवाद नाल मिल के करना होगा मुकाबला। राजनाथ सिंह सत श्री अकाल, मैं मीना तुहाडा सब दा स्वागत करदी हां ई इंडिया न्यूज़ चैनल ते। भारत ने संवेदनशील अते तानातनी वाले संबंधां दे दौर चो लंघ रहे अपने दोवें गुआंढी मुल्कां नूं अतवाद अते सरहदी तनाव दे मुद्दे ते संघाई सहयोग संगठन दे मंच ते सख्त संदेश दित्ता है, जिथे पाकिस्तान दा नां लए बिना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगठन के मैंबर देशों नूं हर तरह के अतवाद के खात्मे अते इस दे प्रतिस्थां दी जवाबदेही तय करने लई के मिल के काम करने की अपील की। उत्थे चीन के रक्षा मंत्री शांगफू की मौजूदगी च यह भी कहा गया कि भारत संगठन के मैंबर देश नाल भरोसा अते सहयोग की भावना होर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यह शांति बनाई रखने च यकीन करता है अते संयुक्त राष्ट्र चार्टर नूं मनना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के मैंबर देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक की प्रधानगी करदे कहा कि भारत खेतरी सहयोग के ढांचे का हिमायती है, जो कि अपने मैंबर देशों की आपसी खेतरी अखंडता अते प्रभुसत्ता का उन्होंने हितों च ध्यान च रखद सन्मान करते हैं। राजनाथ सिंह का यह बयान उस वेले सामने आया जो वीरवार को उन्होंने अपने चीनी हम रुतवा नाल तकरीबन 45 मिनट बैठक की। दोवां अगुआ ने मई 2021 तो पूर्वी लद्दाख च बने अड़िके ते चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि दोवां देशों दरमियान बेहतर संबंधों लई सरहद ते शांति जरूरी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन की सरहद ते स्थित आम तौर ते स्थिर है और दोहां धिरां नूं दुआले संबंधा च सरहद संबंधी मुद्दे नूं उचित थां ते रखना चाहिए है। जनरल ली ने कहा कि दोवें धिरां ने फौजी और सफारती तरीकियां नाल गलबात बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि दोवें धिरां नूं लंबे समय का नज़रिया अपनाना चाहिए है। ली ने कहा कि अहम गुआंढी देशों अहम विकासशील देशों वजों चीन और भारत दरमियान मतभेद की तुलना च सांझे हित च कीते वधेरे हन। हल्कियां मुताबिक राजनाथ सिंह ने ली नूं पूर्वी लद्दाख च टकराव वालियां बाकी थावां ते जो फौजियां दी वापसी तो बाद तनाव घट करन दी दिशा च काम कर लई कहा अते चीन तो हां पक्षी प्रतिक्रम दी उम्मीद प्रगटाई। हल्कियां मुताबिक रक्षा मंत्री ने अपने चीनी हम अहुदा नूं स्पष्ट संदेश दिंदिया कहा कि भारत चीन नाल संबंध च सुधार चाहुंदा है, पर इह तां भी तां ही संभव है जो सरहद ते अमन अते शांति स्थापित होवे। होर ताज़ा न्यूज़ अपडेट पाउण लई जुड़े रहो ई इंडिया न्यूज़ चैनल दे नाल। धन्यवाद, तुहाडा दिन शुभ।